काम करेगा। चलो आज डाउट क्लियर करता हूँ, मे बी आपका होगा, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। और भैया जिसको सब कुछ आता है वो क्या है ये तो नहीं बताऊंगा, पर आप कमेंट करके बताओ तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं इसका यूज करके क्यों सर बिल्कुल सही वैल्यू का रजिस्टर निकाल सकता हूँ। सही समझ गए आप कैसे करना है मुझे, मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब जो भी है राइट, ये मुझे सही वैल्यू का क्या करेगा पता बता देगा, पता बता देगा। बट अभी मैं हेलो सर, हेलो आज क्या दिखाने वाले हैं सर? मेरे पास वीवो का एक हैंडसेट है जी, वीवो का V20 SE, ठीक है सर। और ये देख सकते हैं इस फोन का ना कोई बोर्डियो में स्कमेटिक है okay. और ना ही कोई हार्डवेयर सोल्यूशन है okay. ना ही हार्डवेयर सोल्यूशन है बट वो डेड मोबाइल का कोई काम का नहीं है okay. और ना कोई इसका बिटमैप है सर। अब बिटमैप भी नहीं, आप सोचो कि बिटमैप से लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक ट्रिक करके हम जा सकते हैं। तो बेसिकली ये फोन हमको बनाना है और इस फोन को हम डायग्नोस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से okay. और हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, अगर सीपीयू रिपेयर करना होगा, सीपीयू रिवॉल्व करना होगा तो सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, एमएमसी चेक करना होगा तो एमएमसी चेक करेंगे। यहाँ हम सब करेंगे, हमारे टेबल पे सारी चीज है सर। ये चाहते तो आप क्लास में कर सकते थे, दो चार पांच बच्चों को एडमिशन मिल जाता आपको, ये चमत्कार देख के कर लेते ये, तो वहाँ क्लास में क्यों नहीं किया और लैब में क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए एमडी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्लासेस में हर दिन हम जिस भी सेक्शन पे काम करते हैं, एसर टेलीकॉम के लाइव फेसबुक पे जो देख रहे हैं हमको, वो पूरा देखते हैं कि हम हमेशा लाइव हैंडसेट पे काम करते हैं और लाइव सेट डायग्नोस करते हैं और बहुत से सेट बनते हैं, पर हम कभी वीडियो ऑन बेस पे क्लास पे काम नहीं करते सर। कहने का मतलब ये है कि हम ये सोच के कि एक वीडियो बनाना है और हमें क्लास का पूरा अपना डेकोरम बिगाड़ देंगे और हम वीडियो के हिसाब से अपनी क्लास चलाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे सर। तो हम वीडियो बनाने के लिए क्लास में नहीं जाते, हम तो डेली लाइव आते हैं सर, सुबह से रात तक हम लाइव चलते हैं। पर कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि डीएसएलआर उठा के बोला है तो चलो ये दिखाओ वीडियो में, एक नॉर्मली मैंने चलाया, पर कभी ऑन वीडियो क्लास के हिसाब से लाइव नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी तो चाह सकता था ना कि भाई मैं आता और वीडियो चालू करता, हाँ भाई किसी के बाद मैं चालू मोबाइल है तो क्या होता सर? बिल्कुल क्लास में टीचर बैठकर अपना ज्ञान नहीं दिखाता है, स्टूडेंट पे ज्ञान हम बरसाते हैं, बात समझ रहे हो? अगर हमने उनको थ्योरी बताई है तो हमने उनको ऑन बोर्ड प्रैक्टिकली करके बताया है, पर और उसके बाद पर उनसे ही प्रैक्टिकल करवाया है, ना कि उनके चार बोर्ड हमने पूरे दिन भर बनाया उसको बोला उसके बाद की जाओ इसका डायग्राम छाप के घर चले जाओ, तुमसे तो बन गया, देखो हमने कैपेसिटर निकाल के तुम्हारा फोन चालू कर दिया। तो सर ऐसे तो 20 स्टूडेंट आते हैं, 200 का मोबाइल चालू होना चाहिए राइट सर। तो भाई अगर स्टूडेंट यही देख के जा रहे हैं तो अपने मोबाइल पूरे चालू करवा के आना right, मैं आप सारे स्टूडेंट से कहूंगा जो भी अपने मोबाइल चालू करवाने या चालू देखने के लिए जा रहा है तो सारे चालू होकर आना, तो ही पैसे देना, अदरवाइज फीस देने की जरूरत नहीं है। खैर हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो ट्रेनिंग है सर, हमारी कोई रिपेयरिंग नहीं है कि हम रिपेयरिंग करते हैं और बच्चे को लेके आते हैं, बट हम ट्रेनिंग के ऑन द पर्पस पढ़ाते हैं। अभी इंडिया दुनिया में क्या हो रहा है, रिवर्जन अग्रवाल या एसर टेलीकॉम ने पहले भी नहीं देखा था और अभी भी नहीं देखा, हमारा प्रोटोकॉल बहुत डिसिप्लिन पे चलता है और हम एक महीना दो महीना नहीं, हमारे चार महीने का कोर्स है सर। और आपको कैसे पता चलेगा, आप जब कॉल करेंगे। और हमारा एक और चीज है सर, 5 मिनट में लूंगा, सॉरी फॉर सब्सक्राइबर, मैं 5 मिनट लूंगा कि ये फोन तो हम डायग्नोस करेंगे कि हमारा, जैसे आप भी समझिए, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम सब कुछ एक बार एक क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ इस क्लास में आपको आज इतनी लेवल तक पढ़ाया तो उसके अगले लेवल हम अपडेट करते हैं और यही अपडेट मैं बना रहा हूं अभी। तो अभी बहुत सारे अपडेट मैंने यहां पर बनाए हैं अपने स्टूडेंट के और ये 5G के अपडेट है सर ओके। और ये सारे हमारे अपडेट हमारे एक स्टूडेंट को फ्री में मिलेंगे फॉर लाइफ टाइम, एक स्टूडेंट को लाइफ टाइम फ्री में, और ये उनको अब ये जैसे ही मैं इस महीने के एंड में इसको पब्लिश कर दूंगा और जो एमडी सर को मैसेज करेगा कॉल करेगा उनको एक कोड दिया जाएगा और वो मेरे सारे वीडियो को देख सकेंगे। वो यूट्यूब में नहीं है, कहीं नहीं है, वो एक मेरी प्राइवेट ऐप में है जिससे उसको वो चेक कर सकते हैं और जिंदगी भर देख सकते हैं, उनको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। और वो है जो मार्केट में लोग कहते हैं 5G सिखाएंगे 5G सिखाएंगे और उसके नाम पर 4G के वीडियो डालकर घर भेज देते हैं, पर मैंने वहां पर सिर्फ 5G के ही वीडियो डाले हैं, एक भी वीडियो 4G का नहीं है। और ठीक है तो ये तो हम सबकी बात नहीं करते, आइए इस फोन को डायग्नोस करते हैं। तो सर इस फोन को डायग्नोस करेंगे तो सबसे पहले हम कैमरा ऑन कर लेते हैं और ताकि आपको यहाँ पर दिखा सके कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं ओके। चलो सर सबसे पहले मैं आपको बूट का डायग्नोस कराना चाहूंगा, आप ये यहाँ पर कैमरे में देख सकते हैं ठीक है। तो ये देखिए पहले हम बूट में दिखाते हैं, यहाँ पर जहां तक मुझे लग रहा है कि यह आईसीयू को रिवॉल्व करके लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर थिनर आपको दिख रहा होगा और क्लीन, यहाँ पर देखिए ये थिनर का पेस्ट है पूरा और ये पूरे पतरे यहाँ से हटे हुए हैं सारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इतना। दूसरा हम पहले बोर्ड को एक आइडेंटिफाई कर लें, सीपीयू के पीछे का भी पतरा उतरा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको क्लीन करके दिखाऊं देखिए सीपीयू के पीछे का पतरा भी उतरा हुआ है पूरा यहाँ पर, बट सीपीयू एमएमसी पे काम नहीं हुआ है क्योंकि ये पेस्ट है और किसी टेक्नीशियन ने जो भी किया होगा वो लगता है सीपीयू एमएमसी पे काम नहीं करता होगा, पर लगता है कि हमें सीपीयू एमएमसी पे काम करना पड़ जाए क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि ये रिवॉल्व की गई है यहाँ पर ऑलरेडी आईसी। कैसे पता चलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी थोड़ा सा रेट देंगे ना तो यहाँ से अगर ये आपका पेस्ट निकलने लगेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी ये रिवॉल्व की गई है। बट अभी अपन सबसे पहले इधर आई, सबसे पहले अपन इसको देखेंगे कि ये क्या रीडिंग ले रहा है डीसी में और कितना एम्पीयर ये ले रहा है आपके यूएसबी का, तो हम इसको चेक करते हैं। ये कोई धीरज है जिनका मोबाइल है, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे और यहां लगाने के बाद
ये देखिए पॉइंट पॉइंट जीरो टेन पॉइंट मतलब पॉइंट टेन पॉइंट टेन की रीडिंग ले रहा है। थोड़ा जूम आउट कीजिए, दोनों दिखाइए, पॉइंट टेन की रीडिंग ले रहा है और डिस्प्ले कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी अगर आपका मोबाइल दोस्तों पॉइंट जीरो टेन बस ले तो समझना कि फिलहाल सीपीयू जहां तक एक्टिव हो रहा है, कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है मे बी, तो ये एक बार चेक किया जा सकता है, ठीक है। अगर पॉइंट टू जीरो लेना तो ये समझना कि रैम आपकी एक्टिव हो रही है, होने की कोशिश कर रही है। तो इतना तो फिलहाल पॉइंट टेन का आप ये समझ सकते हो। खैर बट आप देखिए सर, अब हम इससे तो कुछ नहीं समझ पाए, तो अगर हम बोले तो पॉइंट टेन जीरो से फिलहाल इतना बोलेंगे कि जीरो जीरो नहीं है, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हरकत नहीं हो रही है। और पॉइंट टेन जीरो का मतलब है कि हमारा बीबस काम कर रहा है पूरी तरीके से, नहीं तो वो इतनी रीडिंग ये लेता नहीं, तो ये भी आपको समझने की बात है। अब मैं आपको इसमें बूट केबल लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाइए पूरा पूरा, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास में बूट केबल है और ये मैंने बीएमएस सर्किट को निकाल के लगाया ताकि ये बूटिंग कर ले, ये ना हो कि प्लस माइनस लगाया है तो बूटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये लगाया, नोटिस कीजिए। अब ये लगाने के बाद में अब हम पावर की दबाएंगे मशीन, तो ये देखिए सबसे पहले तो देखिए कोई लीकेज नहीं है, मतलब अभी फिलहाल कह सकते हैं कि कोई आपका शॉर्टिंग नहीं है। बट अभी ये तीन जीरो है, अगर पांच जीरो होता तो मे भी हो सकता था कि हमें एक नैनो एक माइनर मिल सकती थी, बट अभी तो फिलहाल हम ये बोलेंगे हमारे में भी कोई नहीं है। अब मैं पावर की दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए पावर की में पॉइंट 103 आके आ रहा है और रिटर्न हो रहा है, नोटिस करो। ये देखो पावर की फिर से दबाऊंगा तो ये पॉइंट 103 दिख रहे ना, तो पॉइंट 103 मतलब 103 119 चला गया। पर जैसे पावर की छोड़ूंगा, देखिए पावर की छोड़ू, ठीक है, तो ये देखिए तो इस बार स्टक हो गया है, मतलब यह हम ये कह सकते हैं कि इस बार ये स्टक हो गया सर, ठीक है, 0.119। तो इसका मतलब ये है कि मे बी हो सकता है ये पोर्ट भी बनाए, राइट, तो ये चेक किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक करें। देखिए दोस्तों अगर आपकी रीडिंग 50 से अगर आपका रीडिंग 120 के बीच में आता है तो आप पोर्ट जरूर चेक कीजिएगा। आपको डायग्राम की ये नहीं कि आपने सीधा डायग्राम खोला लेके बैठ गए, बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, दुकान पे बैठे हुए हैं और सीधा डायरेक्ट काम करने की आदत होनी चाहिए। और डायग्राम और बोर्नियो बेस काम करोगे तो क्या ही दुकान चलाओगे, और जिस दिन बोर्नियो बंद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से जिन इंस्टीट्यूट में ताला लगेगा उसके साथ आपका दुकान में भी होगा, तो समझना बोर्नियो बेस इंस्टीट्यूट वालों का तो कुछ ही कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं, तो रिपोर्ट लिख दिया, आप लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, नोटिस करो, देखो सर लगा दिया और यहां पर देखो पोर्ट बन रहा है कॉलकॉम का, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं इस फोन के अंदर हम आपको लगेगा कि हम फ्लैश करेंगे या हम इस फोन के अंदर किसी प्रकार की एमएमसी को चेक करेंगे, निकालेंगे, फिर आईएसपी करेंगे या एमएमसी पूरा ब्लैक पेस्टेड निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि एमएमसी अपने पार्टीशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कहीं 90% कंज्यूम तो नहीं है, कहीं कॉन्फ़िगरेशन उसका जीरो तो नहीं हो गया बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारी चीज देखेंगे। पर ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये तो स्टेप गुजरना है, नो डाउट कि ये प्रोसीजर में ये होता है, बिल्कुल होता है, फ्लैशिंग होती है, ये पोर्ट बना रहा है, अभी ऑटो पोर्ट बना रहा है बिल्कुल। बट लोग ये नहीं समझते हैं, लोग ये काम करने चालू कर देते हैं। बट इसको कहते हैं ना, कई लोग इसमें बेवकूफी भी बना सकते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये सब करना है, पर एक आई डायग्नोस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, और कहीं कहीं ये चीजें नहीं है मेरे हिसाब से। आई डायग्नोस मतलब पहले ये देखना कि कहीं पीसीबी में कहीं कोई कॉम्पोनेंट शॉर्ट वॉट तो नहीं है, या कहीं पीसीबी में कोई कॉम्पोनेंट निकल तो नहीं गया। देखो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको डायग्नोस किया है और मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ, बात समझ रहा है मेरी बात। अगर मैं शेयर करूंगा आपके साथ तो आपको नॉलेज मिलेगा, अदरवाइज तो फिर आपको जो भी क्लासेस के वीडियो किसी भी इंस्टीट्यूट से देखोगे तो आपको एक चमत्कार सा फील होगा, बोलेंगे वाओ मेरे भी ये सारे मोबाइल बना देंगे, सीखना वो तो जिंदगी में लगा रहेगा, ये दिमाग में पता नहीं क्यों स्टूडेंट के रहता है, पर चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस मोबाइल की एमएमसी निकालें या किसी भी मोबाइल में जिसमें ऑटो पोर्ट बन रहा है, आपको सिखाने के तौर पे कह रहा हूं, आपको डायरेक्ट उस फोन की एमएमसी या किसी प्रकार से फ्लैशिंग नहीं करनी है ऑटो पोर्ट में। अब नॉर्मल पोर्ट बन रहा है तो बिल्कुल करो, बिल्कुल फ्लैश करो, एक बार टूल डालो, फ्लैश में कोई दिक्कत नहीं है, भारी भाड़ करना है बोर्ड में कोई काम नहीं करना। बट अगर आपने बोर्ड खोला है तो उसको चेक करना है, आपका काम बनता है, तो आइए उसको चेक करते हैं। तो इस फोन के अंदर मे बी हो सकता है कि फ्लैशिंग अटेंड की हो, ऑब्वियस ऑटो पोर्ट बन रहा है, और फिर जिस भी का अभी मुझे तो लगता है इनिशियल एक ऐसे टेक्नीशियन के पास गया होगा जिसके पास यूएफआई का नॉलेज नहीं होगा और जो सीपीयू एमएमसी नहीं करता होगा, इसलिए उसने ना सीपीयू निकाला ना एमएमसी निकाला और ना ही यूएफआई है होता तो आईएसपी तो कर ही देता मेरे ख्याल से। तो जैसा वो रिटर्न करके देख लिया, सिर्फ उनने वो वाला काम किया सर जो क्या हो रहा है मार्केट में, सिर्फ पावर रिबोल कर दी, या फिर पीएमआई लगी है वो चेंज कर दी, पावर रिबोल कर दी, बस इसके अलावा और मार्केट में ये कुछ कर भी नहीं पा रहे। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं बस, बट सीपीयू एमएमसी तक जा नहीं पा रहे हैं, घबरा रहे हैं। वैसे भी मुझे लगता है वीवो का मोबाइल है तो बहुत घबरा गया होगा, क्योंकि साउमी ओमी होता तो चलो यार ब्लैक पेस्टेड कैसा भी है उसका बूट थोड़ा कड़क होता है, वीवो ओप्पो के बूट बहुत जल्दी फूल जाते हैं, है ना, टेम्पर्ड हो जाते हैं, तो ये डरते भी हैं। तो और एक आध भी फूल जाए तो फिर इनकी सांसें फूल जाती हैं
भाई ऐसा, तो ये तो हो गया विदाउट प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज, तो यही होता है। आप अगर अपने फोन चालू करवाने जाओगे इंस्टीट्यूट के अंदर तो यही होगा फिर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस और आपका नॉलेज तो वही के वही है, आपके फोन तो चालू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना सर। बिल्कुल, आप उसे देख के आए हो, आपने किया कुछ भी नहीं। अभी कैसा है, हम सबसे पहले इसको आई डायग्नोस करेंगे। देखिए थोड़ा सा पेस्ट यहाँ भी लगा हुआ दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, तो अभी क्या है क्या नहीं है मैं तो उसको क्लीन करूंगा। ठीक है, थिनर है तो मेरे को देखना होता है, क्योंकि एक में मेरा थिनर है एक में पानी भर के रखा हूँ मैं। अब लोग ये सोचेंगे सर ये पानी भर के क्यों रखे हैं, तो यही सोचते रहे वो बस। तो पहले तो आई डायग्नोस करेंगे, क्योंकि पतरे निकले हुए हैं देखेंगे, कोई कॉम्प्रिंट निकला तो नहीं है, कोई शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो और पावर आईसी के पास सारे उस पर ठीक है। तो मैंने इसको किया हुआ है यहाँ पर पहले बजट मोड में, ठीक है बजट मोड में भी कर सकता हूँ, बाकी मैं डायोड मोड पे भी कर लेता हूँ। मेरे इस मल्टीमीटर में डायोड मोड पे भी बजती है, बज रही है देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो हमने रेड वाले को ग्राउंड पे रखा हुआ है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बीपीएच की लाइन, ठीक है बीपीएच की लाइन तो शॉर्ट नहीं होगी। रीजन क्या है बीपीएच की लाइन का शॉर्ट ना होना, दिखाइए रीजन क्या है बीपीएच की लाइन का शॉर्ट होना, कि क्योंकि भाई क्योंकि पोर्ट बना रहा है यहाँ पर बीपीएच की लाइन ओके होगी। तो हम एक बार बग भी चेक कर लेंगे, ये भी ठीक है हमारा। देखिए यहाँ पर हमारी बी बज रही है इस बाकी में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग सोच रहे होंगे ये शॉर्ट है पर ये शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे इसको लो जीआर बोलते हैं। ठीक है सर, तो हम इसको बिल्कुल नहीं छुएंगे, इसको चेंज भी नहीं करेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पर लो जीआर है। अब इसका रीजन क्या है, बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो गया होगा अभी के अभी कि ये क्या सीन है। यही होता है यूट्यूब से देखकर सीखने वालों का, जिंदगी भर कंफ्यूजन पे रहते हैं और बस अपने आप को है ना इस फील्ड से आउट करवा लेते हैं। क्यों? बिल्कुल। और सस्ते के चक्कर में, सबसे बड़ी बात तो देखो यार क्यों, क्योंकि मन में आता है। बहुत सारे लोगों से हमारे एमडी सर बात करते हैं तो दिन भर ये चर्चा होती है कि सर वो उनको पढ़ना भी है और 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में पढ़ना है, एक मल्टीमीटर भी फ्री चाहिए, राइट, ये सारे बक्स हैं और फिर उनको पढ़ना भी है, फिर उनको ये समझ में नहीं आता कि जो सस्ते के चक्कर में आपको बुलाकर तो भाई वो टाइम पास ही करेगा और क्या करेगा। आप मुझे बताओ क्या आपकी क्लास में टाइम पास नहीं होता है? आप जिस भी इंस्टीट्यूट में बैठे हो मुझे बताओ कितना पढ़ा रहे हैं, कितनी फालतू की बातें कर रहे हैं, कितने उदाहरण दे रहे हैं दुनिया भर के, कितने टाइम पास है, गाना बजाना नाचना गाना है, केक खा रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है तीन चीज, दो चीज अगर बोलूं तो तीन चीज भी देख सकते हैं, दो चीज या तीन चीज, तीन चीज कैपेसिटर रजिस्टर और कॉइल। बाकी कॉइल का कोई इतना सीन नहीं है, बट हम यहाँ पे कैपेसिटर और रजिस्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। कैपेसिटर और रजिस्टर, कोई शॉर्ट मिलेगा तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हम ये भी देख लेंगे कहीं ये ओपन तो नहीं है, जीरो ओम्स का है, ओके है। क्रिस्टल पे भी, क्रिस्टल पे इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वालकॉम के बोर्ड में अगर पोर्ट बन रहा है तो क्रिस्टल ओके होता है सर, राइट सर। ठीक है, क्योंकि अगर क्रिस्टल खराब होता तो ये सारे वोल्टेज बट डाउन अप डाउन करते। यहाँ पर ये जो आईसी लगी हुई है ये ग्राफिक्स आईसी है एमोलेडी, और इतना इजी वे में मैं बच्चों को सिखाता हूँ ये। मुझे नहीं लगता इस आईसी के लिए किसी भी तरह का डायग्राम की जरूरत है, किसी भी तरह की डायग्राम की जरूरत है, इवन सीपीयू तक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक मॉसफेट लगा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चार्जिंग मॉसफेट लगा हुआ है, प्रोटेक्शन मॉसफेट है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट नहीं है और ये भी शॉर्ट नहीं होगा क्योंकि पोर्ट बना रहा है। अब हम एक बार ये दो चार्जिंग आईसी आपको दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर आपको टर्बो चार्जर दिखाई दे रहा है जो कि बीक्यू है 25970 और एक आपका PMI 632 है। तो टर्बो चार्जर और ये मेन प्राइमरी चार्जर है, ये आपका टर्बो चार्जर है, आप इसको कह सकते हैं ये इंडक्टिव चार्जर है और ये कैपेसिटिव चार्जर है। ठीक है सर, ओके। ये देखो ये जो इसके पास में जो रजिस्टर्स होते हैं, मे बी वो रजिस्टर आपके एसपीएमआई के प्रोटोकॉल्स के रजिस्टर हो सकते हैं, मे बी रजिस्टर क्योंकि एक पीएस होल्ड की लाइन इस पे भी जाती है तो मे बी उस पे भी हो सकते हैं, या कुछ 1.8 है, पर क्योंकि यहाँ पे ऑटो पोर्ट बन रहा है अभी फिलहाल मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इनिशियल टेस्टिंग है, मुझे हर एक कंपोनेंट को चेक करना जरूरी है। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी सारे कंपोनेंट को चेक कर लेता हूँ, कोई ओपन तो नहीं हो गया, फिर अपन आगे बात करेंगे। अब नोटिस करो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ कंपोनेंट आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया है, आपको बताना चाहूंगा ये एनसी होते हैं। ठीक है, बट इनके सेफ से इनको पहचानना होता है कि ये एनसी होते हैं कि खाली होते हैं। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये खाली है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ रजिस्टर के गुच्छे लगे हुए हैं, तो ये रजिस्टर आपके सेंस रजिस्टर हो सकते हैं क्योंकि ये पीएमआई और आपकी चार्जिंग आईसी के पास लगे हैं, आपके बैटरी सेंस रजिस्टर आईडी थर्मल के इन सबके जोड़ेदार हो सकते हैं, बट हम फिर भी इन सबको चेक कर लेंगे एक बार। ओपन तो नहीं है, देखो हमें नहीं है डायग्राम, पर कंपोनेंट ओपन नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई रीडिंग तो देनी चाहिए। अगर यहाँ पे बीप नहीं देगा, अभी मैं बीप से चेक करके कंफर्म कर रहा हूँ, एटलीस्ट 0 ओम्स के लो वैल्यू के, अगर कोई बीप नहीं देगा तो फिर हम ओम्स मोड पे इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जी आर भी आ रहा है, तो प्रॉपर फिलहाल शॉर्टिंग भी ध्यान रखना रख रहा हूँ, कोई कॉम्पोनेंट ओपन हो रहा है वो भी चेक कर रहा हूँ, ये भी 0 ओम्स के हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपके सारे बक कॉइल्स हैं, देखो सर एक कैपेसिटर पे दोनों तरफ बीप मिल रही है, अभी बहुत सारे जगह पे अगर आप YouTube देख के काम करते तो अब तक तो डबल बैटरी पे चुका दिया होता, राइट मत करो ऐसा, ये शॉर्ट नहीं है, ये लो जीआर में है, देखो ये 00 है ठीक है, और ये 328 है, मतलब 003 ठीक है, शॉर्ट नहीं है। अब ये कुछ रजिस्टर लगे इनको भी चेक कर लेते हैं, कहीं के भी नहीं छोड़ना है, रजिस्टर तो हर जगह से चेक करना है, तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है कुछ ना कुछ, मतलब ये हाई वैल्यू का रजिस्टर होगा, दोनों को देख लेते हैं, कोई दोनों बीप तो नहीं आ रही, अब हम पीछे काम करेंगे, यहाँ पे हमारा पूरा ऑडियो सेक्शन दिया हुआ है, ये हमारा WCD है, मेन ऑडियो कंट्रोलर है, और ये हमारा स्पीकर IC एम्पलीफायर IC है ठीक, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, सबसे पहले MMC के आसपास और CPU के आसपास चेक कर लेंगे, देखिए सर ये जो कैपेसिटर है MMC के पास, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट दे रहा है ना, पर ये शॉर्ट वाला नहीं है, ये भी लो जीआर का शॉर्ट है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सारी चीजें चेक नहीं करेंगे और सीधे आप एक पावर उतारेंगे या पावर का LDO चेक करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है ये वेबकू भी होगी, राइट इस पे भी जीआर आ रहा है, ठीक है रजिस्टर भी हो गया, थोड़ा यहाँ पर PPT भरा हुआ है, PPT मतलब थोड़ा PPT के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अभी तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, और जो भी है माइनर शॉर्टिंग लीकेज नहीं है, देखो ये कैपेसिटर भी आप देखो राइट सर, तो ये सिक्स की रीडिंग, हाँ ये शॉर्ट नहीं है। अब आप कारण पूछ रहे होंगे मेरे से, तो मैं आपको कारण YouTube में नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। ओके देखो ये रजिस्टर भी 0 ओम्स का, ये भी सही है, ये पहला है। देखो मैं आपको बता दूं, CPU MMC के पास में खासतौर पर रजिस्टर्स या तो पैलर होंगे या तो सीरीज में, डबल शॉट नहीं होंगे, और या तो होंगे पुल अप, राइट सर, ये मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, तो इसका जीआर देखेंगे, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, भाई पुलअप भी हो सकता है, सही निकाल के पता चलेगा क्यों, बराबर है। देखो सर यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट का दिख रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर बस ये कैपेसिटर को चेक कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है ये आपको NC दिखाई देंगे, क्यों NC क्यों है, क्योंकि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, right. आप देखो थोड़ा सा ये कॉम्पोनेंट इसमें थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, मतलब यहाँ पर एक जैसा रंगा निकला हुआ, रंगा निकला हुआ, शोल्डर जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा कम ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्यों बोलते, क्या बोलते हैं सर, बिल्कुल आइडेंटिटी फाइक हो गया, तो हम इसको, और ये पता निकालने के टाइम पे मेरे ख्याल से आप जब पता निकालते हैं, ये देखिए इस तरीके से जब हम पता निकालते हैं तो इस तरीके से मे भी हो सकता है कि निकल गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये वैसे भी कटर से निकाला हुआ पता है, क्यों सर, राइट सर, क्योंकि आप देखो अगर कटर से नहीं निकाला होता और हीट करके निकाला होता तो ये नहीं जाती, ये इतना नहीं निकलता है ना, राइट, और ये हीट करके निकलने वाला पतरा फ्रेश दिखता है बिल्कुल, क्यों एकदम शोल्डर लगा होता है उस पर, ये ऐसा उखड़ा हुआ नहीं होता, ट्रैक टूटा नहीं दिखता, ट्रैक टूटा हुआ नहीं दिखता, यहाँ पर भी आप देखो तो थोड़ा सा शोल्डर तो दिखाई दे रहा है, मतलब पेस्ट वेस्ट दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों है, क्योंकि पेस्टेड है, CPU MMC में तो काम नहीं हुआ इतना तो पता है, पता नहीं पर यहाँ पे क्या काम किया, कुछ भी नहीं कह सकते हुए लोग, तो यहाँ पर एक बार चीजें चेक कर लेते हैं कि क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहले रजिस्टर चेक कर लेते हैं, देखो ये बीप नहीं दे रहा, मतलब हाई वैल्यू होगा, तो इसका जीआर ले लेते हैं, यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये सब तो NC है, ये वाला पैलर है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है और यहाँ भी रीडिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कॉम्पोनेंट निकला हुआ है, राइट सर, तो पहला जजमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मे भी हो सकता है MMC तक जाना पड़े,
बट इतने के लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले, ठीक है। पहला जजमेंट है, अभी अगर नहीं होगा नॉलेज और आप कहते हैं ना स्टेप टू स्टेप, पहला स्टेप इज ऑलवेज फाइंडिंग शॉर्ट कैप्स, रिमूव मिसिंग कॉम्पोनेंट नियर पावर इमेंसिंग एंड सीपीयू, राइट सर। सो क्या हो सकता है, कैपेसिटर तो होगा नहीं, राइट सर। कैपेसिटर होता तो मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि कैपेसिटर होता तो भाई पहली बात तो मैं आपको बताऊं सीपीयू एमएमसी, सीपीयू के बाद कैपेसिटर सीरीज में हो सकते हैं, मे बी कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर्स फ्रीक्वेंसी के लाइन में होते हैं, उनको हाई फिल्टर फ्रीक्वेंसी सर्किट कहा जाता है, राइट right? वो हाई फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब बैंड फिल्टर फ्रीक्वेंसी फिल्ट्रेशन करते हैं, हाई इसको मतलब हाई बैंड पास फ्रीक्वेंसी सर्किट भी कह सकते हैं। बट कैसा है, तो ये मुझे डाउट हो रहा है कि कैपेसिटर है कि क्या है, तो ये डाउट हम बोनियो के किसी फोटोज में भी निकाल सकते हैं, राइट right. है ना। तो अगर बोनियो के फोटो में मिल जाए वहां पर रजिस्टर है कि कैपेसिटर है तो अगर क्लियर हो जाए तो ये चीज है, यहाँ हम बोनियो को यूज कर सकते हैं, अगर हमने मान लो दूसरा मोबाइल हो तो हम फोटो भी खींच सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अगर बोनियो में देखूं तो हार्डवेयर निकालते हैं इसका S20, ये S20 है, हमने देखो वीवो में S20 हार्डवेयर में निकाला है, और यहाँ पर हम कोई भी एक निकाल सकते हैं जिसमें हम सीपीयू वाला कुछ हमें अगर मिल जाए फोटो तो हम ये क्लियर कर सकते हैं ये क्या है, बाकी हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। बट तो यहाँ पे हमने सीपीयू के पास किया तो आप देखो कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, राइट right? तो रजिस्टर लगा हुआ है, बट यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर वो रजिस्टर नहीं मिसिंग है। तो ये अगर बोनियो नहीं भी होता तो हम अनुमानित काम करते, हम पहले रजिस्टर ही लगाते, नहीं होता तो कैपेसिटर लगाते, वैसे भी तो डैडी है और हम कौन सा आईसी को बेब को बना रहे हैं, right. भाई कैपेसिटर लगाते तो सर कुछ होता क्या, क्या आईसी शॉर्ट हो जाती क्या, नहीं होती, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर तो एक ओपन पार्ट है, कैपेसिटर सिर्फ वोल्टेज तो पार्ट पास करता ही नहीं, वो तो करता फ्रीक्वेंसी, तो कैपेसिटर लगाने से तो और कुछ नहीं होता, पर होता तो मे भी हो सकता था कि कोई, और एक अनुमानित मेरे पास में चार ऐसी वैल्यू है कैपेसिटर की जो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, जिससे स्टूडेंट उसमें से एक ना एक का काम हो ही जाता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मुझे डायग्राम ही चाहिए, तो वैसे ही मेरे पास में मैं उनको रजिस्टर मिसिंग क्लास पढ़ाता हूँ पहले दिन में ही, पूरा रजिस्टर और रजिस्टर मिसिंग क्लास, कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैं उनको फंसा के नहीं चलता, मैं 9-10 वाला कंटेंट नहीं पढ़ाता सर कि प्रोटॉन पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहा हूँ, न्यूट्रॉन पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से डीसी को चुका रहा हूँ, वहां से डीसी को, ये सारी चीजें मैं बच्चों वाली नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो अभी अपन ऐसा करेंगे, अपन यहाँ पे वैल्यू को चेक करेंगे, देखो यहाँ पर भी GR आ रहा है और यहाँ पर भी GR आ रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम इस पर जंपर कभी नहीं मार सकते, तो मैं अभी आपको सोल्यूशन नहीं बता सकता, बट इतना बता सकता हूँ कभी भी ऐसे चीज पे जहां लग जाए आपको पता कि चलो रजिस्टर है, पर आप वहां पर जंपर मत मारिए क्योंकि ये तो शॉर्ट हो जाएगा, दो GR का मतलब है दो ट्रक, एंड यू कैन नॉट मेक जंपर ऑन बिटवीन टू ट्रैक, एंड उनको जोड़ नहीं सकते आप, यू कैन नॉट कनेक्टेड दैट मतलब दिस ट्रैक विद ईच अदर, मतलब इनको आप जोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक वैल्यू का रजिस्टर डालेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमको कैसे पता कौन सी वैल्यू का, तो मेरे पास तीन ही वैल्यू है सर, मैं तीन के अलावा कोई वैल्यू डालता नहीं हूँ, पर मैं आपको रिवील करना चाहूंगा, जो फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। पहला 1K का डालेंगे, देखो 1K इज नियर बाय 2.2K, अगर मान लो 1K भी डालते हैं तो मे बी मैं 2.2K की जगह 1K भी डालू तो भी मेरा काम हो सकता है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू थे टोल लेंथ के हिसाब से। हाँ, अगर मान लो ये I2C का कैपेसिटर भी हो सकता है क्योंकि सीपीयू के पास है, तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिया टेक और क्वालकॉम और सैमसंग के अंदर अलग अलग है, सो क्वालकॉम के अंदर पहला 1K, दूसरा 2.2K, 2.2K में I2C का रजिस्टर मैच हो जाता है, बट इतने भी मैच करने की जरूरत नहीं है। तीसरा 10K, 10K के बाद में हम ले सकते हैं 15K और फिर 100K, ठीक है सर। तो इतना हमारे पास है, सो हम पहले 1K यूज करेंगे, फिर हम 2.2K क्योंकि ये क्वालकॉम है, फिर हम 10, फिर 15, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। और मैं आपको एक और अच्छा बात बताता हूँ, अगर आपको पता करना है कि एक्चुअल में कौन सा यहाँ पर रजिस्टर लगना है तो आप अपने सारे डिवाइस भी यूज कर सकते हो, क्यों कर सकते हो भी नहीं कर सकते, ये देखो इसमें दिखाता हूँ, दिखाओ जरा इसमें, जो कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक, उन्हें देखा भी नहीं होगा, ये देखो, जूम करो उसको, यहाँ जूम करो उसको। अब ये क्या है, तो भाई ये अभी क्या है ये तो नहीं बताऊंगा, पर आप कमेंट करके बताओ तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं इसका यूज करके क्यों सर, बिल्कुल सही वैल्यू का रजिस्टर निकाल सकता हूँ, सही समझ गए आप कैसे करना है मुझे, मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब जो भी है, राइट, ये मुझे सही वैल्यू का क्या करेगा पता बता देगा, पता बता देगा, बट अभी मैं इसको बाद में यूज करूंगा, फिलहाल तो मैं बेवकूफ नहीं बना रहा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कहीं से एक कॉम्पोनेंट निकालते हैं 1K का अप्रोक्स, देखिए तो हम यहां पर ठीक है, ये नहीं है, देखिए ये 1K का रजिस्टर है, ठीक है जी सर, तो इसी रजिस्टर को ले लेते हैं,
अच्छा चलो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक डाउट क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि रजिस्टर सिर्फ ऊपर से लगाने पे ही काम करेगा। चलो आज डाउट क्लियर करता हूँ, मे बी आपका होगा, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। और भैया जिसको सब कुछ आता है वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मैं सिखाने वालों के लिए बैठा हूँ, ठीक है, सिखाए हुए वालों के लिए नहीं हूं मैं। प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं चाहिए आप लोग, लीव इट। अभी कैसा है, अगर मैं रजिस्टर को सर उल्टा लगाऊं तो क्या लगता है, काम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर आप नोटिस करो, एक रजिस्टर के अंदर ये जो प्लेट है ना जी सर, ये प्लेट ही तो वर्क करती है राइट सर, ये दो प्लेट है इसके अंदर राइट, हम इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्यों? तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे लगा दें तो भी तो काम करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि वो तो ऊपर भी है और राइट नीचे भी है, टर्मिनल है खाली। हाँ एक टर्मिनल है, तो हम मैं रजिस्टर को ऐसे लगाऊंगा सर, मैं वेब को बनाऊंगा इस बार सीपीयू का वेब को बनाऊंगा। क्या बोलते हो, बनाओ कि नहीं बनाओ वेब को? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। चलो सर तो रजिस्टर लगा दिया, उल्टा लगा दिया सर, काम करेगा कि नहीं करेगा? अब सबसे पहले तो देख लिया जाए कि अभी कंडीशन क्या बता रहा है, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे और वीडियो को लंबा करेंगे और इसके बाद में फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग अटेंड करेंगे। वीवो का हैंडसेट है, क्वालकॉम डिवाइस है, तो जो भी इसका फ्लैश टूल होगा वो डाउनलोड करेंगे। देखिए तो देखो सर, अभी भी देखो 0.50 लिया है सर, ओके ये देखो क्या दिखाई दे रही है, निशान दिख रहा है, चार्जिंग का, चार्जिंग का निशान दिख रहा है, मतलब चालू हो गया कि सेट हमारा। यस सर, अब इसको हम पूरा चालू करेंगे, क्या बोलते हो आप जी सर? चलो अगर बैटरी रही खुदा खास्ता तो चालू हो जाएगा, नहीं तो हम इसको डीसी से चालू करते हैं। okay. अभी तो फिलहाल चार्जिंग दिखा दिया। तो यार अगर मान लो मुझे ये वाला नॉलेज नहीं होता और मैं सीधा वोल्टेज उठा के चेक कर रहा होता या सीधा अब तक तो एमएमसी निकाल दिया होता मैंने, क्यों रिजल्ट को 10 MB का डाटा दे दिया होता? तो ऐसा 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 करने ऐसा करना चाहिए क्या? जल्दी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब हमने बिना किसी सीपीयू के आसपास चेक किए हुए हमें क्या उसके वोल्टेज ढूंढने चाहिए क्या? जल्दी बताओ, बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए, प्राइमरी चीजों को पहले करना चाहिए, उसके बाद दूसरी स्टेप होना चाहिए। हम हर वीडियो में ढूंढ रहे हैं, पर्टिकुलर उस वीडियो में नहीं ढूंढ रहे जहां हमें ढूंढना चाहिए, क्यों? राइट सर, देखो इधर आइए, ये हमने लगाया, अब हम पावर की दबाएंगे और देखो अभी हमारे साइड बूटिंग पर कर गया, एक मिनट चीजों को सही से लगा दूं, ठीक है। अब तो मेरे को ये यूज नहीं करना तो मैं इसको बैटरी का यूज कर रहा हूँ, तो ये सब ठीक है। देखो अब मैं पावर की दबाऊंगा, ठीक है मेरा सेट ऑन होने के तो चल रहा है क्योंकि वो तो चार्जिंग लोगों तो ले लिया था, बूटिंग अब देखनी है। लो सर, लो जैसा आप देख सकते हैं वीवो उधर दिख रहा है, रीडिंग थोड़ा जूम आउट करके देखो, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम इन, जूम इन, जूम आउट, ओके ठीक है। ये बाय लक हुआ है, बस मैं बताऊं, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि रजिस्टर के वजह से, बट ये बाय लक हुआ है, ठीक है। अभी इतना हो गया है और बेसिकली हम इसको चार्ज करेंगे तो पूरा चल जाएगा आई गेस, क्या बोलते हो सर? बिल्कुल सर, बैटरी की नीड है इसको, बैटरी की नीड है, एक बार और फिर से देख लेते, नहीं तो इतना तो कर ही दिया, फ्लैश कर लेंगे आप तो क्या बचा? तुम बहुत ग्रेट आदमी हो यार, इतना ग्रेट, इतना ग्रेटनेस लाते कहां से? दिल्ली गए थे क्या? करम चक चक तुम समझे नहीं, हम कुछ और कह रहे थे, चले हम मेहनत दे रहा था। अच्छा ये देखो देख सकते हो पैटर्न पे आ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मैं अगर थोड़ा सा
प्रैक्टिकली सीपीयू के आसपास या हर जगह नहीं देखता, तो बताइए मैं क्या कर लिया होता तक इसे? बहुत कुछ कर लिया होता, जैसे आप पावर आईसी उठा लिए होते हैं, उसको चेक कर लिया होता है, पहले से पहला सीक्वेंस जाता है, दूसरा सीक्वेंस जाता है, तीसरा सीक्वेंस जाता है, चेक कर रहे होते हैं, एक आपका पर्सनल खुलता है सीक्वेंस वाला, नहीं जो भी है सीक्वेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब तक तो हमने पावर को नीचे भी खोल लिया होता, रिवॉल्व करके अंदर पैड लाइन के जीआर चेक कर रहे होते, तो यार ये सब करने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सब करते हैं आज के डेट में, हिंदुस्तान में हर कोई कर रहा है, पर एक एक्सपीरियंस होता है जो हो सकता है कि कुछ चीजों को जल्दी करवा दे। मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो एक्सपीरियंस के तौर पे सर, मैं स्कीमेटिक कहीं से सीख के नहीं आया राइट, कि मैं किसी का कॉपी लूं किसी का डाल दूं, है ना, और हमने अपना खुद का बनाया है, जो भी बनाया है आप समझ रहे हो, तो हमने हमारा एक पैटर्न बनाया है, और ये पैटर्न हमारा इतना ईजी है, क्यों सर? बिल्कुल, ये पैटर्न हमारा इतना ईजी है कि बच्चों को इतना अच्छा लगता है ये पैटर्न बनने के बाद कि वो मतलब उनको 80% हम किसी भी तरह से स्कीमेटिक खुलने नहीं देते। अच्छा, जो ये वीडियो देख रहा है आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, आप अगले दिन तारीख बताइए, 10 तारीख के 11 बजे आप देखिएगा फेसबुक लाइव, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी क्लास में डैड डिसेक्शन मिलन सर के साथ। तो मैं मिलन सर के साथ क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे उनको इंट्रोड्यूस भी करना होता है एमएनसी की क्लास के लिए। तो मिलन सर के साथ मैं मिलन रहेंगे और वहाँ पे क्लास में पढ़ाएंगे डैड में, और दोनों का ही नॉलेज मिलकर बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है, तो ये आपको मिलने वाला है। आप लाइव देखिए, जो लाइव देखना चाहता है वो फेसबुक में जाकर, आप फेसबुक में जाइए, देखिए फेसबुक में जाइए, कुछ मत करिए सर, हमें देखिए लाइव, क्योंकि कोई लाइव आए ना इंडिया दुनिया के अंदर ना, हम लाइव आते हैं, हम हमारा और वो बच्चे का लाइव पहले दिन का भी देखिएगा। यहाँ पर एसर टेलीकॉम डालिए, ये आपको मिलेगा पेज, 5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हमें फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए आज ये हमारे स्टूडेंट, आज हमारे दुर्गे सर ने मीडिया टेक की क्लास ली है, ये देखिए सॉफ्टवेयर क्लास भी है, ऐसा नहीं कि सामने बस दिखा दिया, प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर किया बच्चों के मोबाइल में, देखिए देख सकते हो आप, एक मिनट देखने दो, सुनने दो, देखिए यहाँ दुर्गे सर ने एक लाइव सेट, और एक नहीं यहाँ बहुत सारी लाइव सेट आज परफॉर्म हुए जिसमें सर पढ़ा रहे, ये तो ये सारी चीजें हम बचपन से कर रहे हैं, जवानी से नहीं। तो भैया कहने का मतलब है देवदत्त अग्रवाल अपने चैनल पे कभी भी क्लास में वीडियो बनाकर क्लास का टाइम बर्बाद नहीं करेगा, इवन ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में रहेगा। ये लाइव डायग्नोस तो हम बहुत ही कराते हैं, और लाइव डायग्नोस तो कराना भी चाहिए क्योंकि डेड मोबाइल में कोई समझाने का मतलब नहीं है। और हमारा आप जब हमें कॉल करेंगे ना, तो हम आपसे फोन पे ये करेंगे कि डेड तो हम कभी छूते ही नहीं है और हमें काम ही लाइफ है, और गारंटी दूंगा मैं आपको एक बात की कि हमारे पास आओगे तो हैंड स्किल जबरदस्त लेके जाओगे, ये भी लेके जाओगे, और हैंड स्किल भी, और कंटेंट और अपडेट के लिए 5G अगले दिन से सर, ओके अगले दिन से 5G अपडेट कंटेंट, ये नहीं कि एक इंतजार करवाऊंगा, मैं अपडेट 5G अब सबको डालने वाला हूं, जो पुराने बैच उनको भी, और उनको बस एमडी सर को कॉल करके अलग से पर्सनल सबको मांगना है, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा क्योंकि शेयर हो जाते हैं, बट पर्सनल दूंगा, मॉनिटरिंग होगी, जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल से चलेंगे, अगर तीसरा मोबाइल नंबर एक अनसस्पिशियस मोबाइल मिला तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे बस। थैंक यू और जय श्री राम, हर हर महादेव, और वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में सीपीयू करवा देंगे, हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको टेक्नीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर ईएमसी सॉफ्टवेयर हैं।